क्या बात है जी, आज जिया जी अकेले महिला मंडल के बिना स्त्री शक्ति के बगैर ये क्या हो रहा है जी? तो क्या इतनी मेलोड्रामेटिक बातें कर रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा कि हमें बुलाए क्यों, और तू पता नहीं क्या गर्ली एडवाइस चाहिएगी। अब कभी कभार तो ठंड रखा करो ना जी, शायद कोई मानली वाला एडवाइस दी होगा जी, मर्द को दर्द नहीं होता टाइप एडवाइस। क्या बोल रहे हैं, मर्द को दर्द होता है, घुमा था ना तो बैंड स्टैंड में। हाँ, पर उन्हें थोड़ी बताया, वो देखो देख लिया जी। गाइस, क्या? थैंक गॉड यू गाइस आर हियर। भगवान जी को बाद में थैंक यू मेरा मतलब कि ईशा जी और रेव जी नहीं है? वो एक्चुअली यहीं थे मुझे मॉरल सपोर्ट देने के लिए, बट कुछ अर्जेंट काम आ गया, सो दे हैड टू गो। तो अब हमारी बारी है फॉर मॉरल सपोर्ट। यप, थैंक्स गाइस, बट मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। व्हाट इंफॉर्मेशन? जिया सैन से जिया बोम के जी, पत्रकार से डिटेक्टिव काइंड ऑफ। But here's the thing, मैं बहुत टाइम से मिस्टर खान का फ़ोन ट्राई कर रही हूँ, बट ना अपना फ़ोन उठा रहे हैं ना मैसेजेस चेक कर रहे हैं, सो आई वॉज वंडरिंग अगर तुम दोनों के पास कुछ इन्फॉर्मेशन होगी कि मिस्टर खान और उनकी मॉम की क्या बातें होनी है। मैम आपका टेबल रेडी है। ग्रेट, थैंक यू। नाइस। या उस लड़की और आपके बारे में खबरें पढ़कर ऐसा नहीं लगा था कि बात इस हद तक पहुंच चुकी है। मैं उस लड़की का नाम जिया है और हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी सीरियस हैं। सीरियस हैं और एक दूसरे से ही सीक्रेट्स रखते हैं। कैसे सीक्रेट्स? आपको पता है कल रात वो हमारे फार्म हाउस में थी। ओ, तो वो आपसे बातें भी छिपाती है। मम्मी हमें मामू ने बताया था, वो अपने कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स लेने आए थे। तो उन्होंने आपको खुद नहीं बताया कि वो वहां थी? मम्मी हमें जिया पे पूरा भरोसा, तो आप फिक्र मत कीजिए, हम कोई बातें छुपाते नहीं एक दूसरे से। उन्होंने हमें फोन किया था, हम बिजी थे, फोन नहीं उठा पाए, तो खुद अकेली चली गई वहां। सिंपल। अजहर, किसी पर इतना भरोसा करना अच्छा नहीं होता। कोई किसी की जिंदगी में बेमतलब नहीं आता। एक गॉसिप जर्नलिस्ट आपकी गर्लफ्रेंड है, आपको अजीब नहीं लगता? आई होप आपको पता होगा कि आप कितने चेंज हो गए, पर हमें यह चेंज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। माना अपने हाथों से निक्के निक्के निवाले खिलाकर पूछ रही होगी कि मेरी बहू कैसी है, मेरी बहू कहाँ है। सच ऐसा हो रहा होगा क्या? नो, ऐसा तो उसे क्या बोल रहा है ना, तू भी उसे मान रही हो, तुम दोनों क्या पागल हो गए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा। But what if ऐसा हो रहा होगा, you know, like, हो सकता है, right? तुम हमेशा ऐसे नेगेटिव रहते हो, be positive यार, हमेशा always pessimist. क्या पेसिमिस्ट का मतलब पता है तुझे? पॉजिटिव रहना कह रही है ना? Not the point. Not the point. I'm just being realist, okay? मैं नेगेटिव साउंड नहीं करना चाहता, बट मुझे नहीं लगता कि अजहर की मॉम ऐसी होगी। You're right. पता है guys, वो देखने से ना बहुत स्ट्रिक्ट लगती है, जैसे जैसे कोई एंग्री वार्डन। वार्डन शॉर्डन छोड़ो, आप ये बताओ कि बात क्या हुई? Okay, see. The next day ना मैं मिस्टर खान के घर वापस गई थी अपने पेपर्स वापस लेने। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप मुझे जानती हैं, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। मैं एक्चुअली कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स भूल गई थी, सो वही लेने आई थी। इसका मतलब तुम यहाँ पहले भी आ चुकी हो क्या? यहाँ फ्रेंड्स अलाउड नहीं है। सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, और इससे पहले कि तुम मुझसे कोई सवाल पूछो, मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ कि एक अच्छे घर की लड़की
आधी रात को किसी के घर यूं ही नहीं जाती। मिसेस, मैम, मैम आप, I'm sorry पर आप मुझे ऐसे unless कि उसकी विजिट का कोई मोटिव हो। नो मैम, मैम आप मुझे गलत समझ रही हैं। I swear मैं सिर्फ अपने पेपर्स लेने ही आई थी। एंड मोटिव, जर्नलिस्ट हो खुद समझ जाओगी। फिर क्या? फिर उन्होंने कहा कि सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। Exactly. तो जिस ढंग से तुम एक्सप्लेन कर रही हो उसे तो ये लगता है कि अजहर की मॉम काफी स्ट्रिक्ट है। नहीं जी, लगता है कि काली माँ का ना स्वयं अवतार है। सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। क्या होगा यार गाइस? I just hope कि everything ठीक हो जाए और मिस्टर खान की मॉम मुझे हेट ना करे। बैग गाड़ी में रखवाइए। और ये बैग यहाँ क्यों पड़ा है? इसे भी गाड़ी में रखवाइए। हम 4 दिन बाद वापस आ जाएंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, हमारे वापस आने तक वो लड़की आपकी जिंदगी से बाहर चले जाए तो बेहतर होगा। मम्मी आप ये क्या बात कर रही हैं? जी और मैं, हम एक दूसरे से प्यार कुछ भी कहने से पहले एक बात याद रखिएगा अजहर, कि आप अपनी अम्मी से बात करें जिसने आपको अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया। इतनी जिल्लतें और इतनी मुश्किलें सही आपको पालने पोसने में। ख्याल रखो अपना। अल्लाह हाफिज। मुझे दिल्ली आने के लिए नहीं कह सकते हैं। It's not sudden, Isha. इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं और मैं चाहता हूं कि तुम यहां जल्दी आ जाओ। Dad, आप इतने short notice पे मुझे कैसे बुला सकते हैं? I have responsibilities. I have work. मैं तुम्हें पूछ नहीं रहा हूं, ईशा। मैं तुम्हें बता रहा। Dad, this is not fair. आपने मुझे 1 महीने का नोटिस दिया था and that's not over yet, ना? Right. पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी न्यूज है। Dad, I don't care. You know, कोई भी न्यूज़ हो, it doesn't... मुझे एक इन्वेस्टर मिल चुका है जो तुम्हारे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहता है। Oh. Okay. तो तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। And yes, bring everything, all details, papers, everything. But Dad... 3 crores, Isha. He's investing 3 crores. What? 3 crore? देखो बेटा, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और अच्छी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती। और मेरी एक कंडीशन भी सुन लो। डैड, अब कंडीशन भी? यस, तुम्हारा बेस ऑफिस यहाँ होगा, दिल्ली में। ऑलराइट? डैड, आप तो तुम जल्दी से अपनी टिकट्स बुक कर लो एंड कम हियर एज सून एज पॉसिबल। हमें अभी बहुत सारी चीजें फाइनलाइज करनी है। ओके डैड, माय ओन कंपनी, मेरे अपने रूल्स, फ्रीडम, करियर, यही तो मैं चाहती थी। बट एट द कॉस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स एंड माय लव, डू आई रियली वांट दिस? अगर तेरे डैड को इन्वेस्टर्स मिल गए, दैट्स ग्रेट न्यूज़ यार। पर इन्वेस्टर्स तो यहाँ भी है ना शेखर? या बट दिल्ली के इन्वेस्टर्स 3 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। Listen to me. तेरा डिसीजन है, ओके? तो जो भी डिसाइड करेगी ना, हम तुझे सपोर्ट करेंगे। ईशा जी, लाइफ में ना कभी कभी गूगली वाले ऐसे हालात आ जाते हैं कि समझ नहीं आता कि ये करूं या वो करूं। तब ना सिर्फ एक काम करो, अपने दिल की सुनो। दिल हमेशा ना कुछ कहता है और जो कहता है ना बिल्कुल अच्छा और सही कहता है जी। हमें अपनी दिल की सुननी चाहिए। बट ईश, जस्ट रिमेम्बर, अगर तू दिल्ली चली जाएगी, वहां सेटल हो जाएगी, देन वी विल बी ओवर। हमारी फ्रेंडशिप रेव डू, हम सब मुंबई आए थे अपने अपने करियर्स बनाने, राइट? तो अगर ईश का करियर बन रहा है दिल्ली में, तो तू क्यों उसे रोक रही है फ्रेंडशिप के नाम पर? मैं उसे रोक नहीं रही हूँ ईश,
तुझे जो कॉल लेना है तो वो ले, बट आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू अबाउट अस. बाकी तुझ पर है, आई मीन व्हाटएवर सूट्स यू मैन. या रेव ईश, उसे जाने दे यार, तो कब तक उसे बेबी फीड करेगी? रुचि नीड्स टू ग्रो अप. ओके, इनफैक्ट हम सबको ग्रो अप करना चाहिए. वी नीड टू लर्न हाउ टू लिव एक दूसरे के बिना. या जी, डू यू थिंक मुझे जाना चाहिए? अच्छा, इंपॉर्टेंट बात करनी है. या श्योर. ईश, कैन वी तेरा कमरा? या ऑफ कोर्स. थैंक यू. क्या हुआ मिस्टर खान? मिस्टर खान कुछ तो बोलिए. रेव जी, आपके मूड ठीक करने का फॉर्मूला लाया हूं जी. हॉट चॉकलेट लाओ जी, गर्मा गर्म. सो व्हाट डू यू थिंक? सिर्फ तुमने अपना ओपिनियन ही दिया. या फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए. And yeah, it's good to know कि तुमने इतनी जल्दी move on कर लिया. Did the tapasya do the trick? ये क्या कहा तुमने? You know what? तो आपस को right नहीं है to dig out my personal matter. Sorry, मैं भूल गई थी कि तुम और मैं अब personal नहीं है. तो कोई और पर्सनल है, राइट? या दैट्स राइट. एंड जितनी जल्दी हो सके तुम ये एक्सेप्ट कर लो, तुम्हारे लिए अच्छा हो. सडनली तुम्हारी चॉइसेस कितनी बदल गई. या एक योर चॉइस, तुम्हारा करियर, एक तुम्हारी चॉइस, तपस्या. हाँ ओके, है. अगर मेरी चॉइस तपस्या है तो व्हाट? तुम्हारे पास तो भी कोई राइट नहीं टू कमेंट ऑन दैट. गेट दैट? तुमने तपस्या को चूज कर लिया. That's great then. अच्छा. Yeah. It's great. It's really great. Have a good life. कल रात मेरे फार्म हाउस पे क्या कर रही थी? को पता तो है मिस्टर खान, मैं अपने पेपर्स भूल गई थी आपके घर पे, सो वो लेने गई थी. तुम इसे ना मुझे बता सकती थी? किसी से क्या के मंगवा देता. आई कॉल्ड यू मिस्टर खान, पर आप साहिर के कुछ से जैम सेशन था, आप उसमें बिजी थे, तो मैंने आपको परेशान नहीं किया. मिस्टर खान प्लीज बताइए व्हाट हैपेंड. आप इतने टेंस्ड क्यों लग रहे हैं? आपके मॉम ने क्या कहा? मिसिन, आपको वहां पे नहीं होना चाहिए था. सॉरी मिस्टर खान, आई नो मुझे वहां नहीं होना चाहिए था, बट अब सर और आपकी मॉम ने मुझे देख लिया. ये फैक्ट तो हम नहीं चेंज कर सकते ना मिस्टर खान. आई डोंट नो वो क्या सोच रही है मेरे बारे में मिस्टर खान. आई डोंट नो उन्होंने आपको क्या कहा, बट आई नो वन थिंग, कि अगर हम दोनों साथ में निकल रहे होते और तब उन्होंने देख लिया होता तो और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती. राइट? यू आर राइट, बट अब एक प्रॉब्लम है. कहिए ना मिस्टर खान, आप क्या प्रॉब्लम है? आप क्या कहा आपकी मॉम ने? प्लीज टेल मी. अम्मी ने मुझसे कहा कि मुझे आपसे ब्रेकअप कर लेना चाहिए. व्हाट? और आपने क्या कहा? फिलहाल तो कुछ नहीं.
आपने कुछ नहीं कहा। आपकी मॉम ने आपको मुझसे ब्रेकअप करने के लिए कहा और आपने हमारे लिए स्टैंड नहीं लिया। मिस सेन इतना आसान नहीं है, उनसे मैं क्या बोलूंगा कि अम्मी मैं मिस सेन से प्यार करता हूं। दैट्स इट। सिंस वेरी कॉम्प्लिकेटेड, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हां मिस्टर खान, ये सब थॉट्स आपके दिमाग में तब नहीं आए जब आप मुझे परस्यू कर रहे थे। मिस्टर खान जस्ट टेल मी समथिंग, क्या आप सच में मेरे साथ रहना चाहते हैं? एंड प्लीज बी ऑनेस्ट फॉर वंस। ऑफ कोर्स मिस सेन, मैं आपके साथ में रहना चाहता हूं। ये कैसी बातें कर रही हैं? तो फिर फोन उठाइए एंड टेल योर मॉम। सेन, आई कांट डू दैट। मुझे चीजें प्लान करनी पड़ेगी। आई कांट बी सो इंपल्सिव। नो प्लान्स मिस्टर खान, अब अपना फोन उठाइए, मॉम को फोन लगाइए एंड टेल हर यू लव मी। सिंपल। इट्स नॉट सिंपल मिस सेन, इट्स नॉट। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज। समझ गए मिस्टर खान, समझ गए मैं आपके लिए क्या मीन करती हूँ। थैंक, आपने हमारे लिए स्टैंड तक नहीं लिया। नॉट राइट नाउ, ओके? प्लीज नॉट राइट नाउ। आई वांट यू टू बी विद मी। यू नो हाउ मच आई लव यू, राइट? डोंट टच मी मिस्टर खान। प्लीज जाइए यहाँ से।